ये अगर आपके पास नोट्स हैं उसको डाउनलोड करें, नोट्स को उसमें आ रहे हैं वहाँ के पर चले जाएं और इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करें, टेबल से देख देख के आप उसको बता दीजिए क्या है। ठीक है, सॉल्व करें। ठीक है, फिर आप लोग कर लीजिएगा, सही है। आप लोग जाना चाहें जाएं, ठीक है, क्लास इज ओवर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। आप सबको एफ ग्रेड मिलेगा, सही है। टॉक इन के आप सबको एफ ग्रेड मिलेगा। जो जो नहीं बोलेगा नो, सबको एफ ग्रेड। अदान क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, नहीं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएं, मुझे बताएं आंसर क्या है। जो छह फैक्टर्स हैं आर एम आर के, उसके छह के छह फैक्टर्स कैलकुलेट करके बताएं। पहला फैक्टर क्या है उसका? मेरी आवाज आ रही है सबको? बॉक्स में लिख के बताएं, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, रॉक में ज़ैनब के अलावा किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? जिसको आवाज नहीं आ रही, जिसको मेरी आवाज आ रही है ना, सबको मैंने अपग्रेड दे देना है इस हिसाब से, उनका ऑटोमेटिक। अच्छा, आप ये जो आरक्यूडी कैलकुलेट करनी है ना, सबसे पहला फैक्टर है आरक्यूडी। आरक्यूडी की वैल्यू बताएं, रेटिंग क्या आएगी? आरक्यूडी गिवन है ना यहाँ पे, आरक्यूडी इज गिवन हियर। ठीक है, तो रेटिंग क्या आती है इसकी? 70। नहीं, ये तो उसकी रेटिंग नहीं है ना, 70 की। 70 तो आरक्यूडी है, ये वैल्यू है 70।
रेटिंग क्या है, रेटिंग कहाँ से आएगी? आप ही क्वेश्चन करें ना मुझसे, अगर आपको नहीं पता तो बताइए कि रेटिंग इसकी कैसे, पता है आप लोगों को हमने लास्ट सेक्शन किया था, टेबल से निकाल दिया। ठीक है, तो टेबल कहाँ है? टेबल ओपन, टेबल कहाँ है टेबल? क्यों नहीं है, नजर नहीं आ रहा? नहीं, आपको टेबल, आपके पास नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, टेबल नोट्स, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करें, उसके अंदर टेबल है। अगर नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, कोर्स साइट भी नहीं है, आप गूगल पे लिखे हैं डॉक मैथ क्लासिफिकेशन, पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक डाउनलोड होगा, उसके अंदर आरएमआर का टेबल है। ठीक है, आप सब, तो मेरी आवाज आ रही है अभी, क्लियर है जी? आसिम, 20 आपने वैल्यू निकाली है। हाँ, सही, 17। देखें आसिम, 17 आप कह रहे हैं वैल्यू, ठीक है, हैरान कह रहे हैं 17। ठीक है, टेबल देखें, टेबल में वैल्यू सबको आ रही है, पता चल गई। ठीक है, 17 वैल्यू की समझ आ गई, कैसे निकालनी है? सबसे ऊपर आरक्यूडी नहीं थी, सबसे ऊपर थी पॉइंट लोड, ऐसे ही है ना? टेबल देखें, टेबल में नंबर वन सेक्टर क्या है? पॉइंट लोड। आरक्यूडी की रेटिंग क्या आ रही है? 17। ऐसे ही है? आरक्यूडी वैल्यू सबको पता चल गई है, जिसको नहीं पता चली वो क्वेश्चन करें मुझसे भी, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन नहीं करें, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोग जो है ना एक्सपर्ट हैं, फिर यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? सो आरक्यूडी की वैल्यू आपको पता चल गई है। नेक्स्ट इज पॉइंट लोड, नंबर वन फैक्टर है पॉइंट लोड इंडेक्स या स्ट्रेंथ, यूसीएस या स्ट्रेंथ। अब पॉइंट लोड इंडेक्स यहाँ पे गिवन है आपके पास, पॉइंट लोड इंडेक्स आपको गिवन है 8 मेगापास्कल, और आरक्यूडी आपको गिवन थी 70%। पॉइंट लोड की रेटिंग क्या आई, स्ट्रेंथ की रेटिंग क्या आई? सही आंसर 12। ठीक है, पॉइंट लोड की वैल्यू आई आपके पास, रेटिंग आई 12, पॉइंट लोड की वैल्यू आई 8 मेगापास्कल, इसकी रेटिंग आई 12। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है टेबल में? नहीं, यूसीएस आप दोनों में से एक चीज करनी है, या पॉइंट लोड करना है बेटा, या यूसीएस करना है, दोनों नहीं आपने करनी है। तो अगर पॉइंट लोड कर लिया दैट्स इनफ, ठीक है, यूसीएस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है अब्दुल्ला, आज भी 30, ठीक है, आगे नेक्स्ट फैक्टर क्या है? पॉइंट आरक्यूडी के बाद क्या है? नेक्स्ट फैक्टर क्या है आरक्यूडी के बाद? जॉइंट स्पेसिंग, यहाँ पे गिवन है जॉइंट स्पेसिंग, गिवन है स्पेस एट 300 मिलीमीटर, सही है
ज्वाइंट ब्रांच।